Good morning, friends. First of all, Shubho, Bijoya, and Happy Dashera to everyone. Aaj 5th of October 2022. Aaj hamara Indian market holidays hai. Fir bhi hum dekhte hain ki kal overall markets mein kya kya activities hua hai aur aaj ke global markets mein kya kya expectations hai. Dollar index abhi hai 110.29. As per our expectations, hum expect kar rahe the ki ye aapka 30th September ka low ke niche hum ek डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो इमीडिएट जो सपोर्ट हो सकता है वो 108.70 से 109.70 के बीच में, और ऑल्सो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है. कल का क्लोजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के वहीं पे दिया है. आज फॉलो थ्रो चाहिए फर्दर डाउन मूव के लिए. अगर फॉलो थ्रो नहीं होगी फिर दोबारा आ जाएगा, फिर इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. सो फ्रॉम हियर नीचे हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा 108.70 से 109.70 के बीच में, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन पोजिशन आवर सेल्फ इन अदर करेंसीज. डॉलर रुपी में डॉलर इंडेक्स की तरह सेल ऑफ दिखा नहीं गया है, जहाँ के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक इस टाइप ऑफ कैंडल, बिग बॉडी रेड कैंडल, जो आपका 30 सितंबर के लो के नीचे क्लोज देगा, जो अभी तक हुआ नहीं है. काफी डिमांड यहाँ पे है, बट कैंडल साइजेस आर वेरी स्मॉल स्मॉल. कल का देखिए 4th अक्टूबर का जो कैंडल है वो काफी छोटा है, एंड 68.31 के बीच में ही ट्रेड हुआ है. सो यहाँ पे वॉलिटिलिटी काफी श्रिंक हो रहा है, एंड दैट इज मेकिंग द मार्केट टू गेट रेडी फॉर ए शार्प मोमेंटम. इस डायरेक्शन में वो हमें देखने वाला है. हालांकि वी आर एक्सपेक्टिंग ए शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 80.00 से 80.30 के बीच में, बट प्राइस उस हिसाब से इंडिकेट नहीं कर रहा है. द कैंडल पैटर्न्स उस तरह से दिख नहीं रहा है. जीबीपी डॉलर में तेजी बरकरार है. कल एक अच्छा खासा उछाल दिया गया है, एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.1280 एंड 1.1490. अभी ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है, दैट इज योर 1.1470 से 1.1670 के बीच में, टू बिगीज का, तो अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है, उस रेजिस्टेंस जोन के अंदर में ट्रेड कर रहा है. एंड हमें ये देखना है कि हाउ द प्राइस और द कैंडल इज बिहेविंग व्हाइल विद इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन. इस रेजिस्टेंस जोन में ये कैंडल कैसे बिहेव कर रहा है, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा. क्या ये जूम करके ऊपर की तरफ जा रहा है, या यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, या यहाँ पे शार्प रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, एंड तीनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है. जीबीपी आईएनआर में भी कल एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है, एंड ये ट्रेडेड इन बिटवीन 92.11 एंड 93.53. एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हमारा था 93.30 से 93.70 के बीच में, उस रेजिस्टेंस जोन को वहीं पे अभी फेस कर रहा है. दैट बीइंग द केस, हमें देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस पहले था, अभी क्या रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड कर रहा है प्राइस एक्शंस के ऊपर. क्या ये रेजिस्टेंस तभी रेजिस्टेंस होगा इफ द प्राइस रेस्पेक्ट्स, सपोर्ट विल बी ए सपोर्ट इफ द प्राइस रेस्पेक्ट्स. तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है, सलाम ठोक रहा है, या मीन्स विदाउट केयरिंग अबाउट द लेवल इट मूव्स ऑन एंड ऑन. तो हमें वही देखना है कि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा. अगर नहीं ले रहा है तो इमीडिएटली जो अप मूव आ जाएगा आपका, फिर 95.70 के आसपास. और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो क्या ले रहा है, प्राइस रिजेक्ट कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है. कंसोलिडेट कर रहा है, दैट मींस इट मे बी प्रिपेयरिंग फॉर ए ब्रेकआउट वंस अगेन. और रेजिस्टेंस ले रहा है, देन इट इज रेस्पेक्टिंग, सलाम अच्छी तरह से ठोक रहा है. यूरो आईएनआर में अगर हम देखेंगे, यूरो आईएनआर में भी अच्छा खासा एक अप मूव देखा गया है कल, एंड ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 0.9880 से 1.0080 के बीच में, जो दो बिगी के बीच में जो एक रेजिस्टेंस जोन बना था पहले, उसके अंदर में आ चुका है. यहाँ पर भी हमें वही ऑब्जर्व करना है, क्या ये रेस्पेक्ट कर रहा है या ब्रेकआउट कर रहा है. यूरो आईएनआर में हम देखेंगे, यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया अप मूव कैंडल दिया गया है, एंड जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 81.75 से 82.25 के बीच में, वहां पे एक रेजिस्टेंस है. हम क्योंकि वहीं से आपका
अगस्त ऑनवर्ड्स एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। तो ये जो जोन हो गया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन हमें अब देखना है कि यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में डेस्पाइट डॉलर इंडेक्स फॉलिंग फ्रॉम 114.77 से 110.30, दैट मींस 4.5 पॉइंट्स का नीचे आ चुका है यहाँ पे, लेकिन डॉलर येन में वहीं पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक जितना कंसोलिडेट कर रहा है उतना ही प्रोबेबिलिटी है रेंज ब्रेकआउट के लिए। अभी रेंज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ है। उसका रीजन क्या है, डॉलर इंडेक्स काफी सॉफ्ट हो चुका है, एंड ऑल्सो बीओजे इज दे आर हैवी सिटिंग देयर हैवी हैंडेडली। ऊपर में अगर चढ़ने का कोशिश करेगा तो दे मे इंटरवीन देयर, जो हमने देखा है आपका 22 सितंबर को हैवी इंटरवेंशंस। येन आईएनआर में देखेंगे, इसमें भी कंसोलिडेशंस हो रहा है एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको अगर ऊपर जाना है तो कन्विंसिंगली इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करेगा उधर डॉलर येन नीचे आने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। डॉलर कैंडी में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है। कल का जो प्रेजेंटेशन था वहां पे हमारा एक ट्रेडिंग कॉल्स था, जो ट्रेडिंग कॉल्स कोई अगर फॉलो करना चाहते हैं सब्जेक्ट टू देयर ओन रिस्क एंड रिवॉर्ड वो ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे हमने डिटेल्स डिस्कस किया है कि व्हाई दिस इज ए ट्रेडिंग सेटअप एंड यहाँ पे एंट्री कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, टारगेट्स तीन डिफरेंट टारगेट्स कहाँ कहाँ है, एंड प्राइस अभी उधर के तरफ ही मूव कर रहा है। इमीडिएट जो सपोर्ट होगा ये 20 मूविंग एवरेज, उसको ब्रेक करेगा देन इट मे हेड टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टारगेट। ऑसी डॉलर में देखेंगे, ऑसी डॉलर में भी हमारा एक वो है, लेकिन वो अभी तक ट्रिगर्ड नहीं किया है। ये एक डाइवर्जेंस है आपका, फाइबर डाइवर्जेंस, उसके ऊपर ये जो लाइन है उसके ऊपर ट्रेड अभी तक किया नहीं है कल, तो इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा देन एंड ओनली देन हमारा 2-3 टारगेट्स जो है वो ट्रिगर होना चालू हो जाएगा। डॉलर सीएनएच में अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया है। यहाँ पे आफ्टर ट्रेडिंग 7.2650 ऑन द हायर साइड अभी है 7.05, और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे कल क्लोज दिया है, और आज इसको इस लो के नीचे, कल के लो के नीचे ट्रेड करना चाहिए, तभी जाके फॉलो थ्रू मिलेगा डाउनवर्ड साइड में। यूके ऑयल में कल भी एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है, एंड जो आपका मेजर जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो 96 के आसपास हो सकता है प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये डायरेक्टली ये ब्रेक करके ऊपर ही चलता जाता है, 96 को ब्रेक इजीली ब्रेक करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे फिर दोबारा डाउनवर्ड मूव करता है, वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी में भी काफी सॉफ्टनेस है, लेकिन कल एक छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया है, स्मॉल बॉडी कैंडल एंड जो बनाया है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे बनाया है, एंड ये एक मदर कैंडल हो गया, एंड कल का जो कैंडल है वो स्मॉल बॉडी कैंडल इनसाइड बार कैंडल्स हो गया। व्हाट इट मींस, ये आपका मदर कैंडल के लो के नीचे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में भी ज्यादा कुछ आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा है, बिकॉज आपका 3.48 3.50 यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, जो एक प्रीवियस टॉप था उसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ चला गया है। तो बिलो द 3rd अक्टूबर लो आपका एक सेल ऑफ बन रहा है, बट द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। विशिंग यू ऑल ए वंस अगेन शुभो बिजोया एंड हैप्पी दशहरा।